अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर पर मध्यस्थता करने वाले बयान को सरकार ने किया खारिज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया। असम में बाढ़ के हालात में नहीं हुआ कोई सुधार। बाढ़ की चपेट में आकर दो और लोगों की मौत। मृतकों की संख्या पहुंची 66। राज्य के 18 जिलों में 30 लाख से ज्यादा लोग हुए हैं प्रभावित। चंद्रयान 2 के सफल परीक्षण पर विश्व की मीडिया ने की सराहना। वॉशिंगटन पोस्ट में इसे भारत की कम लागत वाला स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया अंतरिक्ष कार्यक्रम बताते हुए कहा, ये देश के लिए है गर्व की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें अर्पित किए श्रद्धांजलि। कहा, भारत माता के वीर सपूत एक निर्भीक और दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार सरकारी विभागों से संबंधित सभी सूचनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर दी लोगों को शुभकामनाएं। जल संरक्षण को लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होगी स्पर्धा। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य को जल के उचित इस्तेमाल के लिए केंद्र देगा अधिक राशि। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भाजपा सांसदों को जल संरक्षण को लेकर दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में त्रिलोकपुरी इलाके में हुए सिख विरोधी दंगों के 23 दोषियों को दी जमानत। कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट में फिर टली कर्नाटक मसले पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा, स्पीकर करवा रहे हैं चर्चा, शाम तक हो सकती है वोटिंग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर सीमा पर व्यापार करने वाले 2 व्यापारियों के घरों में की छापेमारी। टेरर फंडिंग जांच के अंतर्गत की गई ये कार्रवाई। अब खबरें खेल जगत से। कटक में हो रही 21वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन जारी। खेलों के आखिरी दिन महिला और पुरुष एकल व युगल में सभी स्वर्ण पदक रहे भारत के नाम।